क्या बात है, थोड़ा उधर नहीं मिल रहा फुल में यार सेंटर बढ़िया भाई कैमरा भाई कैमरा सोनम भाई रुकिए रुकिए सब पीछे ही सोनम 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 सर पीछे सोनम वेट सोनम वेट इधर लाइट अच्छा है सोनम 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 वेट सोनम क्या करें यहाँ पे वेट 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 अबे पीछे क्या बैकग्राउंड यहाँ पे देखो सोनम यहाँ पे देखो यहाँ पे नीचे सेंटर नीचे सेंटर सेंटर डाउन डाउन सेंटर डाउन सेंटर डाउन थोड़े राइट ओह थैंक यू बोले लेट में आई थैंक यू सोलो सोलो हमकी लेफ्ट साइड यहाँ पर लेफ्ट में लेफ्ट यहाँ पर लेफ्ट में यहाँ पर है बरियाज यस थैंक यू थैंक यू मैम यहां पे लेफ्ट साइड थैंक यू हमरे मैम थोड़ा 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 साइड यहां यहां पे हां वापस 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 ओ क्या बात है यही पोज यही पोज अजी लेफ्ट लेफ्ट साइड लेफ्ट लेफ्ट साइड लेफ्ट से स्टार्ट लेफ्ट
राकेश द वन, उनके लिए जोरदार तालियां। आइए प्लीज, बड़े सारे सवाल जवाब हैं। पाजी कंग्रेचुलेशंस ऑलरेडी। एंड जी अमन गिल साहब, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस अलोंग विद द एंटायर टीम हियर। एंड अब द सुपरस्टार लेडीज एंड जेंटलमैन, सिर्फ पंजाब के सुपरस्टार नहीं है, हिंदी फिल्मों में भी इन्होंने अपना कमाल दिखाया है। और उसके बाद क्या गाते हैं, मतलब साफ पता लगता है जब ये स्क्रीन पे आते हैं तो कुछ बहुत ही कमाल कर जाते हैं। एमी विर्क के लिए जोरदार तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन, सीटियां बनती हैं। वेलकम पाजी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। एंड मुंबई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ में लेडीज एंड जेंटलमैन, शी इज़ अ सुपर स्टार, शी इज़ अ क्वीन ऑफ कोर्स। और सिर्फ पंजाबी इंडस्ट्री की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में इनकी खूबसूरती के एंड एट द सेम टाइम उनके टैलेंट के जलवे हैं। गिव इट अप फॉर सोनम बाजवा लेडीज एंड जेंटलमैन। वेलकम सोनम, प्लीज बी सीटेड। अब जिन्हें बुलाने जा रहा हूँ, जैसा मैंने कहा सपोर्टिंग कास्ट कुछ नहीं होता, ये बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के इस टीम के साथ चल रहे हैं। एंड हरियाणवी फिल्म्स के लिए, उस इंडस्ट्री के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है। हिंदी फिल्म्स में वी ऑलरेडी सीन हिम किल इट। लेडीज एंड जेंटलमैन, यशपाल शर्मा साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। वेलकम सर, वेलकम। एक्स क्रिकेटर बोलूं, सुपरस्टार एक्टर बोलूं, या मतलब हर चीज से कमाल कर देते हैं। एंड एज आई सेड इन द बिगिनिंग दैट एवरी टाइम ही इज ऑन द फील्ड, जिस भी फील्ड में हो द बॉल इज आउट ऑफ द पार्क। योगराज सिंह साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए लेडीज एंड जेंटलमैन। ओह सत श्री अकाल सर, वेलकम। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब जिन्हें बुलाने जा रहा हूं, जैसा मैंने कहा पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, मतलब पूरी की पूरी जो जाट लैंड है वहां पे इनको बड़ा प्यार मिलता है और ये पूरी देश दुनिया पे छा गए हैं। गिव इट अप फॉर अजय हुड्डा साहब लेडीज एंड जेंटलमैन, द पॉप स्टार, द रॉक स्टार हु इज हियर विद अस। इस टीम के साथ, यस यू गाइस कैन गो क्लिक क्लिक क्लिक, एक मिनी फोटो अप हो जाए जल्दी से। एज ही सीटेड, वी गुड, थैंक यू सो मच। यस ऑलराइट अमी भाजी, वील स्टार्ट विथ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल एज आई सेड वेलकम टू मुंबई, ऑफकोर्स यू बिन हियर मेनी अ टाइम्स, लेकिन ये एक अलग कैपेसिटी में आए हैं। हेलो, हाँ जी, तो मुझे बताएं, यू नो सिनेमा हो, म्यूजिक हो, यू ऑलरेडी किल्ड इट। हम जानते हैं आपकी क्या रेंज है, हम सबसे आपको बहुत सारा प्यार ऑलरेडी मिला हुआ है, बट आज जब मुंबई में यहाँ पे इस कमाल की यू नो लोगों के सामने बैठे हुए हैं, सो हाउ डज इट फील टू लॉन्च योर ट्रेलर हियर? सब तो पहले सारे प्यार भरी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, जी आया सारे, मैंने लग नहीं रहा मैं मुंबई आया, उधरों बड़िया तो सरदार वीर बैठे साढ़े, इधर वेखन डे तो सो सारे पगां वाले भरा आए। मैं थैंक यू करता, धन्यवाद करता बहुत बहुत। सो गाइज, आप सबको वेलकम, तो बहुत बहुत प्यार। आई होप थोनू ट्रेलर अच्छा, आपको ट्रेलर अच्छा लगा होगा। सो अजय आदत नहीं, हौली हौली हिंदी की आदत पै जूगी। सो जो तो नैक्सट असं ऑलमोस्ट महीने तक आवेंगे, एक महीने के बाद आएंगे तब जो हमारी हिंदी फिल्म है उसका ट्रेलर रिलीज़ करेंगे। सो आई टॉक इन प्रॉपर हिंदी, ओके गाइज। सो ऑब्वियसली मैं पग बनता तो मैं थोड़ी जी अगर पंजाबी मिक्स भी होंगी है तो आई होप तुम मैं माफ़ कर दोगे, ठीक है? बहुत बहुत प्यार, ज्योंदे रहो। तो मिक्स मैच कर लेने भाजी, तू भी आए बेचारे हैं, उन्होंने पता नहीं लगना। सो गाइज बहुत ज़्यादा वधिया लगता, राइट हैंड साइड राकेश धवन साहब बैठे, इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, फिल्म लिखी है, फिल्म डायरैक्ट की है, इन्हों का असं बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो तुम ओवरऑल जो तो फिल्म देखोगे डेफिनेटली यू विल लव द फिल्म। एंड उस तो बाद वन मैन आर्मी जिन्होंने ये फिल्म बनाई है, तो इन्हों के ना एक करी जोरदार ताड़ियाँ पवन भाई के ना, तो कल्या ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, राइट? पता तो लगे, अच्छा आ पवन है, वो अमन है, ओके, पता नहीं लगता, कन्फ्यूजन हो जाती है। ये पवन गिल नाल अमन गिल, ये साडे भरा, साडी फिल्म दे प्रोड्यूसर्स ने। तो लेफ्ट हैंड साइड वन एंड ओनली सोनम बाजवा, प्लीज़ एक रिजोरदार ताड़ियाँ। हाँ वे वे सीटियाँ तो मैं कही ही नहीं वज जा। तो नाल साढ़े लिविंग लैजेंड ने दो, एक हरियाणे तो एक पंजाब तो, जोरदार ताड़ियाँ यश जी दे योगराज सर। अजय वीरदास जी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि मिक्स कल्चर दोनों, हरियाणा और पंजाब दोनों मिक्स कल्चर की ये मूवी है। आप जब मूवी देखोगे, बिकॉज अभी ट्रेलर देखा होगा आपने, मतलब इतनी प्योर और इतनी अच्छी जो हरियाणवी बोल रही है हमारी हीरोइन, अगर आप फिल्म में देखोगे जाके तो आपको बहुत आनंद आएगा, मज़ा आएगा।
सो आप और कोई पाजी अगे कंटिन्यू प्लीज जी बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू सो मच फॉर दैट मैं सिर्फ यही पूछ रहा हूँ यहाँ पे इस अलग कैपेसिटी में लगता है यार नहीं मेरे को नहीं लग रहा नहीं नर्वस नहीं हो थोड़ी जी कई यार स्लिप ऑफ टंग हो जाती मैं डरता भी कुछ और ना मुंह चो निकल जाए तो करके मैं कहना भी रहने दी न्यूज़ बन जानी है और क्या नहीं न्यूज़ का नहीं मसला कोई वैसे मैं तो अपने दिल तो ही बोलूंगा वो कई यार तो गल का होर मतलब बन जाता हूँ फिर लैंग्वेज बैरियर्स ने थोड़े 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 वैसे नर्वस नहीं बाबा सुख रखे नर्वस नहीं होंगे कभी ये तो इन्होंने कहा था मुझसे पूछने के लिए पाजी मेरे को बिल्कुल नर्वस नहीं लग रहे हो आप सच बता रहा हूँ मैं साड़ी कौम ही नहीं नर्वस होंगी पाजी सामने रूबरू होना इन मतलब महान हस्तियां बैठिया उन्हें करके थोड़ा जा दिल को कुछ होंगे अदरवाइज काम नू लेके नर्वस नहीं होंगे भाजी कुछ स्पेसिफिक रीजन था कि मतलब ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचानी है फिल्म इसलिए 50% पंजाबी हाँ? नहीं भाजी ये बिल्कुल नहीं था और ये कभी भी नहीं होगा हमारी जिंदगी में भी ऑडियंस वाइट के लिए काम करना है या कुछ करना है बेसिकली स्क्रिप्ट अच्छी हो तो उस पर काम होता है अच्छा भाजी ने लिखी इतनी अच्छी है और हमारा दिल गहरा बनाने के लिए और इस मतलब ऐसी फिल्मों के लिए बिकॉज ऑब्वियसली अगर मिक्स कल्चर आप मूवी बनाते हो तो मतलब स्टारकास्ट भी दोनों रीजन्स की होगी राइट पंजाब और हरियाणा की तो फिल्म महंगी भी होती है सो उसके लिए मतलब दलेर प्रोड्यूसर्स भी चाहिए और भाजी ने लिखी इतनी बाकमाल है कि आपको मतलब लगेगा ही नहीं ये रीजनल फिल्म है आपको मतलब सारे मतलब फील आएंगे पंजाबी हरियाणवी हिंदी सब लोगों को ये समझ आने वाली मूवी है जी थैंक यू सो मच पाजी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए यार बहुत बहुत मूविंग ऑन टू द गॉर्जियस सोनम बाजवा वेलकम स्वागत है आपका मुझे ये बताइए यहाँ पे यू नो वो बड़ा सॉलिड पंच आ रहा है बड़ा सारा यू नो वो एक अलग टशन देखने को मिल रहा है यहाँ पे इस हरियाणी छोरी का हरियाणे वाली छोरी का सो क्विकली टेल मी हाउ डिफिकल्ट वॉज इट टू गेट इन टू दिस कैरेक्टर बिकॉज पंजाबी से हटके कुछ कर रहे हो आप बहुत अलग है पहला तो सत श्री अकाल सारयां नू थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर हाँ राम राम सारयां ने थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर कमिंग हियर एंड अ ह्यूज थैंक यू टू मीडिया फॉर शोइंग सो मच लव टू द रीजनल इंडस्ट्री पंजाबी इंडस्ट्री इट मीन्स सो मच टू अस और बाकी मैं अभी भी इतनी नर्वस हूँ आई डोंट हैव मच टू से टुडे बिकॉज आई एम एक्सट्रीमली नर्वस दिस इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट वेरी चैलेंजिंग और मुझे नहीं लगता मैंने जितनी फिल्में आज तक की हैं इतना चैलेंजिंग मेरे लिए कोई भी काम था और इतना डिफ़िकल्ट और मुझे नहीं लगता मैं इतनी नर्वस कभी हुई होंगी क्योंकि नहीं सच्ची गल आ मैं आई थिंक हाँ जी एक्चुअली हुण मैनू 10 साल हो गए काम करदी नू सो मे बी थोड़ा जिहा ज़्यादा ही 10 सालों तो मैं पंजाबी च ही काम किया आ हिंदी भी नहीं की हले तक जबकि मैं हिंदी बोल लैनी हाँ सारा कुछ आ लेकिन हरियाणवी मैं कदे हरियाणा गई नहीं सी कोई मेरा हरियाणा तो फ्रेंड नहीं सी सो मेरे लिए बहुत नवी लैंग्वेज सी जिन्नी क हरियाणवी मैं सुनी सी वो फिल्मों सुनी सी सो बहुत अलग चीज़ सी बहुत डिफरेंट था तो पहले तो मैंने बोला इनको कि ये आप मुझे क्यों चुन रहे हैं इसके लिए यू नो बट थैंक यू सो मच टू द प्रोड्यूसर्स माय डायरेक्टर सच्ची बहुत मेहनत की थी करी सच्ची जोरदार ताड़ियां भाजी बांधी जिन्नी इन्हें मेहनत की थी लैंग्वेज पे लिटरली मतलब मेरी दोस्त भी है फ्रेंड भी है सच्ची बहुत मेहनत हुई है मतलब लैंगुएज से मतलब स्पेशल ट्रांसलेटर सी साडे नाल मैडम तो सिंगल सिंगल वर्ड ते डायलॉग याद करने उन्होंने उस मतलब उस लैवल पर बोलना परफॉर्म करना बहुत औखा होंगे जी किसी भी आर्टिस्ट लिए एक नवी लैंग्वेज हूँ जिम्मे सू हिंदी बोलने लगे मौत पै जाती है सो ता करके इनू हरियाणवी वो छोटे 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 वर्ड लावां दियां दलावां बनाउणियां सो ता करके मतलब बहुत ज़्यादा औखा सी एक्चुअली मेरे लिए एक और चैलेंजिंग चीज़ ये थी कि मेरी पंजाबी ठीक है मुझे ऐसा लगता है अच्छी तो मैं नहीं बोलूँगी पंजाबी ठीक है तो मुझे मैम को मुझे करेक्ट करना पड़ता था कि कभी कभी पंजाबी निकल जाती थी बीच में सो दैट वाज वेरी चैलेंजिंग दैट इट शुड नॉट साउंड हरियाणवी सो ऑल थैंक्स टू द टीम एक्चुअली सुनीता मैम फॉर श्योर सो बट एंड वी जस्ट ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट एंड जब आप कुछ अलग करते हैं तो ना उसमें नर्वसनेस थोड़ी ज़्यादा होती है स्टेक्स आर हायर बट आई एम सो ग्लैड दैट द एंटायर टीम chose something so challenging and I just hope that you know it's this film's not just for Punjab and Haryana in our country we have so many different languages and cultures aur mujhe lagta hai ki Punjabi aur Haryanvi pure desh mein sabko bahut pasand bhi aur sabko samajh bhi aati hai so we just thought that you know these two cultures they collide and we make something it'll be so much fun to watch so we've just done this and Now it's yours. I'm sure they're gonna give you all that love too. और जहाँ तक आप languages की बात करें मेरे को बोलो इसमें सबसे ज़्यादा difficult word कौन सा था जो सीखा इस छोरी ने
अरे वर्ड्स तो ठीक थे, मैं कह तय में मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती थी. अब हम जैसे बात करते हैं, हम कहते हैं मैं, उसमें मैं मैं अभी भी कंफ्यूज हो जाती हूँ. सो और मेरे लिए यही था डिफिकल्ट कि जो पंजाबी, जैसे मैं तो हरियाणा भी जब बोलती थी मैं तो पंजाबी स्टाइल में बोलती थी. या सो द लिटिल थिंग्स आर मोर डिफिकल्ट. जैसे जो बड़े बड़े शब्द हैं, जैसे मैंने हांडन लाग रही सूँ, ये तो मैंने कभी सुना नहीं था, लेकिन इट वॉज ईजी बिकॉज इट वॉज न्यू फॉर मी. बट द वर्ड्स दैट वर सिमिलर टू पंजाबी वर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. एंड मेरे कोस्टार्स ने, सर ने, अजय ने, जिनके साथ मेरे मतलब ये तो हरियाणा से हैं, मुझे इतना डर लगता था इनके साथ परफॉर्म करने में, लेकिन बहुत बहुत मुझे सपोर्ट किया सबने. देखिए यूं तो आप कुछ भी बोल दोगे हम बोलेंगे वाह कमाल हो गया, लेकिन एक लाइन तो हरियाणवी में बनती है. अरे ये मैं इसीलिए बहुत डर रही थी सुबह से कि मुझे सब अपनी है, आंख बंद करो, सब अपनी है. राम राम सारे भाई आना, सब खत्म हो जाना, कुछ बोलना, फिर चुप हो जाना. देखो मुझे पता था आज ये होने वाला है, आप सब मेरे से ही डायलॉग सुनेंगे, इनसे केसी से नहीं सुनेंगे. सबसे सुनेंगे, सबसे सुनेंगे, चिंता ना करो आप. अच्छा लो भाई गाना भी, हाँ वो तो वो नींद में भी गाना सुना सकते हैं. मेरा काम ही है, मैं कड़ा हलवाई है, मैं गा दूंगा. अच्छा ट्रेलर का डायलॉग सुनाना. रब बात बात पे लव यू ना करया करे, यो बात मेरी फैमिली ने बेरा लागी ना, तो तेरी फैमिली आले मिस यू बेटा लिख दे पावेंगे फेसबुक पे. इसके लिए इतना सोचना पड़ रहा था. चल बोल पैसे नहीं लेंगे. केड़ा गूगल पे तुसी बोलो फोन वाली, मेरे तो नंबर ही नहीं याद है. 98190 ना लगे ना लब्बे. मन्ने के तेरे ते गूगल पे करना है, जो नंबर सेव कर लियो. फोन सिर्फ गूगल पे करना हुंदा, गाना मजनू ना बने. कितने लोग सोच रहे थे ऐसे रोल रिवर्सल होता है, वहाँ से नंबर मिलता तो कितना अच्छा होता. बहुत बहुत खुश हो रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट, है ना. थैंक यू सो मच यशपाल सर, मूविंग ऑन टू यू. बहुत बहुत धन्यवाद. सबसे पहले हिंदी फिल्मों के साथ साथ सर हरियाणवी इंडस्ट्री को भी एक अलग आयाम पे लेके जा रहे हैं आप. ऑफकोर्स अभी अभी हाल ही में नेशनल अवार्ड से नवाजा गया आपको, आपकी फिल्म को. सर या ऑफकोर्स अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. सर ये इंटर यू नो ऐसा इंटरस्टेट रोमांस टाइप का चल रहा है यहाँ पे, इस फिल्म के बारे में थोड़ा बताइए. जब आपको इसके लिए अप्रोच किया गया था क्या हो रहा था? नमस्कार. जब मुझे पता लगा कि फिल्म का नाम कुड़ी हरियाणे वाली है और जो कुड़ी है मैं उसका बाप तो और ये कनाडा में थे पवन, और बहुत लंबी बातचीत हुई थी, पूरी स्टोरी सुनाई थी ये वो, तो मुझे सच में बड़ा एक हैरानी हुई थी कि इस रोल के लिए सोनम क्यों. और सोनम को जब मैंने काम करते हुए देखा, क्योंकि अभी बात चल रही थी तो मैं उसको अभी उसी तार से जोड़ के बोल रहा हूँ, क्योंकि कई बार मैं जब ये डायलॉग बोलती थी तो मैं बोलता था ठीक है ना डबिंग में ठीक हो जाएगा, बोले नहीं 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 पूरा इसी में ही ठीक करना है. और ये वाकई में चाहे तीन टेक हो चार टेक हो, मुझे पता है वो लड़की सुनीता जो इनको सिखा रही थी, सुनीता शर्मा, वो दंगल और तनु वेड्स मनु में भी हरियाणवी सिखा चुकी है उनको सबको, तो बहुत अच्छी एक टीचर है. तो मैं इनकी उस लगन को देख करके और इनकी जिद को देख करके मैं रियली आई कैन से वंस अगेन कि ये फिल्म जो इतनी बढ़िया बनी है और जो इतना अच्छा ताम झाम हर तरह का, मुझे हिंदी फिल्म से कहीं भी कम नहीं लग रही थी. बाकायदा मेरी फिल्म चंदू चैम्पियन भी इसी में रिलीज़ है 14 तारीख को ही, तो बड़ा ये बोल रही थी किसको प्रमोट करोगे, चंदू चैंपियन को या कुड़ी हरियाणा वाली. मैंने कहा अपनी बिटिया को प्रमोट करेंगे पहले तो, क्योंकि वहाँ तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, पता नहीं कितना वक्त लगेगा, लेकिन यहाँ ज़रूर मेरी, क्योंकि हरियाणा की फिल्म है और पंजाब की फिल्म है, और दोनों की फिल्में मैं काफ़ी कर चुका हूँ हरियाणवी पंजाबी में, और मैं चाहता हूँ दिल से कि लोकल सिनेमा जो है वहाँ का हरियाणा पंजाब का शिखर छुए, जैसे मराठी मलयालम सिनेमा है, जैसे और सिनेमा है उसकी तरह उनका भी नाम हो. सेंसिबल सिनेमा की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि बहुत पंजाबी में भी 10 में से 1 आ जाती है सेंसिबल, हर फिल्म नहीं होती है मैं जानता हूँ. आज ही एमी भाई बता रहे थे काफ़ी अच्छी बातें कुछ पंजाबी सिनेमा के बारे में. तो मेरी बस पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग, क्योंकि आप जो हैं वो जो देश की जो धुरी है, स्तंभ है, आप हैं, आप किसी को भी बर्बाद कर सकते हैं और किसी को भी आबाद कर सकते हैं, तो ये आपके हाथ में है. ट्रेलर देख करके आपको जैसा लगे
जरूर ऐसा वैसा ही लिखिए जैसा मन करे, जैसा लगे, क्योंकि वाकई वो बहुत ज़रूरत है सच्चाई की. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच ये शेयर करने के लिए हमारे साथ. योगराज सर, मेरा अगला सवाल. जी सब ठीक? हाँ जी, हाँ जी. मेरा तो हरियाणवी रोल था. उसे ही ट्रांसलेट कर दो. है पंजाबी च मैं दूजी और होर कोई फिल्म का बोल सकता हूँ, जरूरत नहीं है मेरे ख्याल. योगराज सर, दिस वंस फॉर यू. ऑफ कोर्स इतने साल से आप इंडस्ट्री में हैं, रूल करते हैं. एक बार जोरदार तालियां फॉर दिस अमेजिंग अमेजिंग एक्टर वी हैव हियर विद अस. सर दो चीज, सबसे पहले तो बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ऑफ कोर्स आपकी पर्सनालिटी से मेल खाता है, बिल्कुल साथ में जा रहा है, तो ज़्यादा डिफिकल्टी तो नहीं होगी हुई होगी इसे निभाने में. और दूसरी चीज़, जिस तरह से सर पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री जो इवॉल्व की है इतने वक्त में, उसके ऊपर थोड़ा सा बताइए सर. इससे पहले कि मैं आपकी बात का जवाब दूं, मैं कुछ अपने दिल की बात आप लोगों से करना चाहता हूं. बम्बई एक ऐसा शहर है, मुंबई हो गया अभी. 42 साल पहले मैं यहां आया था तो मैंने क्रिकेट का दौर अपना शुरू किया था. मफतलाल में मुझे नौकरी मिली थी. इस धरती ने मुझे बहुत कुछ दिया है. पंजाब मुंबई के लोगों ने मुझे बहुत कुछ दिया है. एक्टर कब बना, कैसे बना, मुझे पता लगा. इतने बड़े बड़े मुआज़िब लोग बैठे हैं, इनके बीच में मेरी कोई औकात नहीं है. लेकिन क्रिकेट छोड़ने का और क्रिकेट का जो दर्द है वो मेरे सीने में हमेशा रहेगा. बेशक युवराज सिंह बहुत बड़ा प्लेयर बन गया, लेकिन मुंबई की धरती को हमेशा मैं सलाम करता हूँ. आज बहुत सालों के बाद यहाँ आया हूँ. जब पंजाबी पिक्चरें मैं करता था जवानी में, खैर अब भी जवान हूँ, सफ़ेद दाढ़ी पर मत जाइएगा, तो हमारी डबिंग एडिटिंग वगैरह सब यहीं होती थी. और मैं मातृभाषा में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरा फ़र्ज़ बनता है. तो यहाँ पे हम बहुत रहते थे मुंबई 42 साल पहले. आपने तो शायद कुछ लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे. तब यहाँ हम आया करते थे, सब कुछ यहीं होता था. बहुत सारे किस्से हैं मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए. बहुत सारे चांसेस मुझे मिले. बहुत सारे डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर ने मुझे कहा, विनोद खन्ना जी के साथ, धर्म जी के साथ, ये वो. तो वो बात बनी नहीं क्योंकि क्रिकेट मुझे ज़्यादा अजीज है. आज भी मुझे क्रिकेट बहुत अजीज़ है, अपनी फिल्म इंडस्ट्री से या अपनी एक्टिंग से. एक्टर मैं हूँ नहीं, एक्टर गलती से बन गया आदमी, एक्सीडेंटली कुछ भी बन जाता है. लेकिन एक किस्सा आपको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. इंडियन टीम के साथ हम ऑस्ट्रेलिया गए, न्यूजीलैंड गए, तो सुनील गावस्कर हमारे कैप्टन थे, माय मोस्ट लव्ड मैन एंड लव्ड क्रिकेटर. तो हमारा एक संडे क्लब हुआ करता था. संडे क्लब में हम सब लोग, मैं, संदीप पाटिल सब, कपिल देव, करसन घावरी, हम सब लोग कुछ ना कुछ एक्ट करते थे कि यार तुम कुछ सुनाओ, तुम ऐसे सुपरमैन बन जाओ, तो कुछ ऐसा करो. तो मेरे को सनी भाई ने बोला कि यार योगराज तुम भी क्या करोगे. मैंने कहा सर मैं आपको कुछ करके दिखाता हूँ. तो मैं वो डायलॉग्स, मेरा गांव मेरा देश, ये वो सब, तो मैंने बोला, तो मुझे कहने लगे मुझे लगता है क्रिकेट कम खेलोगे, एक्टर बनोगे. तो मैं आज भी सनी सर को बोलता हूँ, मैंने कहा जी आपका वो वरदान मुझे एज एन एक्टर बना गया और युवराज को क्रिकेटर बना गया. अब बॉम्बे में आना चाहता था, यहाँ काम करना चाहता था हिंदी पिक्चरों में, लेकिन सबब बन गया पंजाबी पिक्चरों का. मैं अपने आप को आज भी एक्टर मानता नहीं हूँ, लेकिन जो खुदा ऐसा वो है कि अगर उसकी कृपा हो, अगर उसका हाथ हो सर पे, तो गधा भी घोड़ा नजर आता है. मैं उनमें से एक हूँ, ऑनेस्ट कन्फेशन है. मैंने एक्टिंग सीखी नहीं, मुझे एक्टिंग आती नहीं, मुझे पता नहीं. लेकिन एक था, जब मैंने बाल कटाया तो मेरे पिताजी ने मुझे बड़ा मारा, अरे क्या कर दिया. मैं कहा जी मुझे लोग बोलते हैं मैं धर्मेंद्र जैसा लगता हूँ. तो वो सब बातें जहन में शायद कभी होती हैं. और मुआज़िब प्रोड्यूसर लोग जैसे दी ग्रेट पवन जी, उनके ब्रदर, ये सब लोग, सोनम जी, ये अपने राकेश जी 10 साल पहले, एंड एमी, इन लोगों को जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है यार तू क्या खाका एक्टर है. लेकिन चलो मैं कर जाता हूँ जो भी करना है. लेकिन लोगों ने मुझे एक्टर माना, ये आप लोगों की तौफीक है, आप लोगों का आशीर्वाद है. थैंक यू सो मच. मैं इतना योग्य तो नहीं था, लेकिन आपने मुझे बहुत कुछ दिया है. और वो जो दौर क्रिकेट का यहाँ से शुरू हुआ, फिल्म इंडस्ट्री का शुरू हुआ, आज चलते 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 52 साल में इतनी पिक्चरों करने के बाद, फोर्थ जनरेशन मेरी ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन, बेटे, इनके साथ काम करके मुझे कभी ऐसे महसूस नहीं हुआ कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ. क्योंकि मैं आज भी कहता हूँ सबसे प्रोड्यूसर से, यार मुझे जरा हीरो लेके देखो, फिर रोमांस देखो क्या होता है. मैं वो रोमांटिक हीरो हूँ जो लड़की के बीच में से निकल जाता हूँ. सो
सो ये बातें मेरी अभी शायद किसी के कानों में पड़ी हैं और लोगों ने बहुत सारे सब्जेक्ट्स लिखे हैं अमी जी, मैं माफ़ कीजिएगा, ऐसी बात नहीं है कि मैं आपके साथ कंपीट कर रहा हूँ, पर मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या एज फैक्टर में हीरो बनता है आदमी? नहीं, हॉलीवुड में बॉलीवुड में 70-70 साल के लोग हीरो आ रहे हैं, तो भैया ऐसी बात नहीं है, कुछ मेरी तरफ भी करना गौर तो हम कर सकते। एनीवे, सो थैंक यू सो मच, खुदा की जर्रा नवाजी है, उसकी रहमत है, और मुंबई की धरती वालों आपके चरणों में प्रणाम है, प्रेस वालों, इस धरती ने मुझे जो दिया है वो मैं हमेशा बोलता आया हूँ और उसका मैं ऋणी रहूँगा, शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया एज एन एक्टर और मेरी औकात बनी कि महान एक्टर के साथ बैठ सका। पवन जी जैसे प्रोड्यूसर्स, पता नहीं, मैं एक बड़ा इमोशनल आदमी हूँ, मैं रिलेशनशिप में बिलीव करता हूँ, ये पैसा, ये शोहरत, ये टोपी घुमाना, ये मेरे बस का बात नहीं है भाई, बट वेर एवर आई गो, 52 साल में फिल्म इंडस्ट्री में क्रिकेट खिलाते हुए, खेलते हुए, कोचिंग करते हुए, ये मैं बात कहना चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में पवन जी जैसे इंसान, ऐसा प्रोड्यूसर, ऐसा इंसान मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। मेरी ऑनेस्ट बात है, जो बोलूँगा सच बोलूँगा, ठोक के बोलूँगा, बेशक कोई किसी को अच्छा लगे ना लगे, लेकिन ये लोग वो हैं मेरी ज़िंदगी में, जब भी रिलेशनशिप बने हैं क्रिकेट में, क्रिकेट खिलाते हुए, फिल्म इंडस्ट्री में, चंद लोग ऐसे हैं जिनको मैंने अपने दिल से लगा रखा है। तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं, इसी रोज शब में उलझ करना रह जा कि तेरे जमीन और मकान और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, और भी। थैंक यू ऑल द प्रेस, ये सफर जो 70 साल का रहा है, 42 साल 50 साल जो गुजरे हैं, वो आप लोगों के प्यार से, आशीर्वाद से, आपकी गोद में, नमस्कार, थैंक यू, गॉड लव यू ऑल। थैंक यू सो मच सर। आपने कुछ पूछना है? और मैं सर, मैं आवाज नहीं निकल रही अब मेरी इस बुलंद आवाज के आगे, ऐसे हो गया अब, बट थैंक यू सो मच, एंड अब मैं समझ गया किस हिसाब से वो पंजाबी इंडस्ट्री इवॉल्व कर रही है सर, और इसीलिए दूर दराज तक जा रही है, बिकॉज वी हैव सच वंडरफुल पीपल इन द इंडस्ट्री। मेरा एक सपना था जब मैं बॉम्बे में आता था, ये भी आपसे शेयर कर लूं, कि कभी ऐसा वक्त आएगा कि पंजाब के एक्टर होंगे, पंजाब के राइटर होंगे, पंजाब के मेकर्स होंगे, पंजाब के प्रोड्यूसर्स होंगे, सब कुछ पंजाब की धरती पे होगा। तो वो मेरा एक सपना था कि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री एक दिन बॉलीवुड, हॉलीवुड, सज्जन सिंह रंगरूट पिक्चर बनी तो हॉलीवुड के साथ कंपेयर करी गई और उसमें मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला। लेकिन वो जब सपना साकार हुआ, ये सब लोगों की वजह से, तो मैं आप लोगों का ऋणी इसलिए हूँ कि उस पंजाबी लैंग्वेज कल्चर को आपने जो चार चांद लगाए हैं उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद दिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अजय भाई, दिस वन्स फॉर यू, यू नो आप भी अपने कल्चर को, हरियाणवी को इतनी दूर दराज तक लेके जा रहे हैं अपने गानों के थ्रू, बिलियनर रख लो सर आप तो अपना नाम, सारे वीडियोज पे बिलियन व्यूज होते हैं। अभी इस फिल्म के साथ, इस कास्ट के साथ जो ये जर्नी रही, प्लीज इसके बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले राम राम सभी को, नमस्कार। हाँ भाई, राम राम सारा ने। देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा सबसे पहले जिन्होंने मुझे चुना। सच में मैंने म्यूजिक एल्बम्स किए हैं, गाने किए हैं, बहुत प्यार दिया है पूरे हिंदुस्तान ने, तो फिल्म ये मेरी दूसरी है। और सच में कहूँ तो पहले इसलिए कह रहा हूँ कि पहली बार थोड़ा सा सीरियस होके, पहली बार जब फिल्म कर रहा था मैं तो इतना सीरियस नहीं था, नहीं मुझे पता था, लेकिन पहली बार सीरियस होकर काम किया, उसकी वजह है मेरे डायरेक्टर, पूरी टीम और ख़ासकर एमी भाई, इन्होंने इतना कॉन्फिडेंस दिया मुझे कि मतलब मैं अच्छे से हर चीज़ कर पाया, झिझक थी मेरे अंदर। उसके बाद पूरी टीम, सोनम जी, इन्होंने भी मतलब ऐसा नहीं महसूस होने दिया कि मैं न्यू कमर हूँ, पहली बार ऐसा कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे प्रोड्यूसर ने मुझ पर विश्वास जताया, जितना भी मेरा करेक्टर है मैं सही कह रहा हूँ कि मैं होनेस्टली मैं अच्छे से कर पाया, नहीं तो नहीं कर पाता अगर मेरी टीम इतनी अच्छी नहीं होती। हरियाणा पंजाब की ये फिल्म है, ये ऐसा नहीं है, मुझे लगता है ये पूरे हिंदुस्तान की फिल्म है, सभी तरह का फ्लेवर है इस फिल्म के अंदर, तो सबको देखनी चाहिए और आप लोगों को जैसी लगे आप लोगों को वैसी ही बताइए, होनेस्टली बताए यशपाल जी ने, आप सच लिखिए और उम्मीद करते हैं हम भी जब पढ़ते हैं तब भी उम्मीद करते हैं आपने सच लिखा होगा, तो आज भी हम चाहते हैं आप सच लिखिए जैसा आपको लगे
और जब आप सच लिखेंगे तो मुझे लगता है लोगों तक ये मैसेज जाएगा और लोग जरूर फिल्म देखने आएंगे. थैंक यू सो मच. दैट्स आवर रॉक स्टार लेडीज एंड जेंटलमैन अजय हुड्डा टॉकिंग टू द प्रोड्यूसर्स. लेकिन उससे पहले ऑफ कोर्स इट इज ओनली फेयर राइटर डायरेक्टर साहब के लिए एक बार तालियां हो जाए यार. कम ऑन राकेश सर. मैं एक बात बोल सकता हूँ प्लीज सर? ये डायरेक्टर साहब की तो मैंने बात ही नहीं करी. तो इन्होंने जब मेरे को कैरेक्टर सुनाया मैंने कहा भैया ये मेरी फील्ड नहीं है. मैं वो जंग सिंह घोड़े पे बैठ के आ सकता हूँ. तो ये वो डायरेक्टर है जो बहुत कमाल का एक्टर है. टू बी वेरी ऑनेस्ट जिस तरह ये एक्टिंग करके बताते हैं आर्टिस्टों को मैं कहता हूँ अगर आप 50% इनको फॉलो कर लोगे तो सुपरस्टार बन जाओगे. एक डायरेक्टर में ऐसी एक्टिंग और ऐसी टेकिंग और ऐसा बातचीत भी एक कमाल की बात है. ऐसे भी डायरेक्टर कभी कभी जिंदगी में मिलते हैं. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सर. थैंक यू सर. भूल गया था इसलिए मैं. धवन साहब ओवर टू यू. मैं पहले ही आ रही है आवाज आ रही है. मैं पहले ही नर्वस था. अब सर ने बोल दिया है. भाई ने नहीं तारीफ करती मैडम ने. मैं और नर्वस हो गया हूँ. इतने जोगा है नहीं मैं. इन्ने जोगा 3-4 लाइनें बोलनी थी वो कॉपी हो गई है मेरी. पहली ये कि थैंक यू प्रोड्यूसर ने मेरे पे फेथ किया. अच्छा अभी ज़्यादा मुँह के नेड़े लेना पैना. दूजा मेरी स्टार का सोनम जी नाल एमी पाई ना. मैं 2-3 फिल्में कर चुका बींग ए डायरेक्टर. मैडम ने मेरी पहली फिल्म सी. इन्होंने मेरे पर विश्वास किया तो ये मेरे लिए बड़ी वड्डी गल सी. ट्रस्ट किया. तो तीजा मेरे लिए मेन पिलर से पहले मेरे प्रोड्यूसर दूजी स्टारकास्ट तीजे मेरे डीओपी अंशुल चौबे जी. अंशुल जी जोरदार तालियां ना दे करें. जो आपने देखा है वो शायद मैं ना दिखा पाता अगर अंशुल जी मेरे साथ नहीं होते. सच में मैंने पहले भी काम किया है लेकिन ये काम एक डिफरेंट था. टेकिंग डिफरेंट थी. लाइटिंग डिफरेंट थी. तो अंशुल जी थैंक यू. और अब मुंबई आने का कारण कि हम यूजुअली पंजाब में रिलीज करते हैं ट्रेलर हो या फिल्म हो या प्रीमियर हो. तो ये पवन जी ने जो किया है इस बार की पैन इंडिया फिल्म बनाई है हरियाणा पंजाब. तो वो हरियाणा के कुछ लफ्ज़ पंजाबी से मिलते हैं जो मैडम कह रही थी कि वो उस पर फंस जाते हैं कि यो जानदा ना दिखा. तो जानदा पंजाबी में भी बोलते हैं. तो कुछ हिंदी वालों को हरियाणवी समझ आती. तो उन्होंने पैन इंडिया बनाने का एक यत्न किया है. इसके लिए हम आपके सामने समक्ष यहाँ पेश हुए हैं कि आप यहाँ इन्हें पैन इंडिया तक लेके जाएं इस चीज़ को. तो ज़्यादा मैं कम भी जा रहा बोलिया नहीं जा रहा. थैंक यू सो मच. बस इतना ही कहूँगा जी. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. विद दैट ब्यूटीफुल स्माइल सब कुछ तो बता दिया सर आपने. थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया एंड आपको बधाइयां. मेरी माँ भी कहती है मेरी स्माइल अच्छी है. और किसी ने कहा दूसरे आदमी जिसने कहा है. Now, talking to the producers, the wonderful people who backed this project, and we'll start with Pawan. You know, Hindi film mein ho, Punjabi film mein ho. Sir ke saath to ye aapki teesri collaboration hai. Talk to us about this entire journey with this amazing team and these people who are sitting over here. Aur itne sara, you know, positivity jo already mil gayi hai trailer ko. Thank you, Nitin. Thank you for a wonderful introduction. Thank you, Mumbai Media, for showing up, showing your love for the Punjabi film, Punjabi Starcast, and all of us. Main English mein thodi zyada baat karunga because meri Hindi itni sabki tarah saaf nahi hai. But Punjabi chhe. Bolo Punjabi. Punjabi ya English mein. But hum pehle bhi aaye hue hain Bombay mein. Hum Aman ye produce kar chuke film mein. Pehli baar hum Punjabi film ka trailer. कास्ट को यहाँ लेके आए हैं. वही जरिया है आपके थ्रू एक नेशनल ऑडियंस को रीच करने के लिए. मैं थैंक यू कर रहा हूँ राकेश जी का ये स्क्रिप्ट सुनाने के लिए. इन्होंने जब पिछले साल सुनाई आई थिंक सोनम जी और मैं साथ में बैठे थे एंड उनको आइडिया पसंद आया था. वो कह रहे ये फिल्म मैं करूँगी. एंड देन फिर एमी सर के साथ मैं बैठा था कैनेडा में एंड वहाँ सोच रहे थे आगे करना. मैं क्या आपने वो आइडिया सुना? वो क्या हाँ याद है तो सुनते हैं. हमने तुरंत राकेश जी को फ़ोन लगाया एंड इन्होंने ये लंदन बैठे थे शायद. तो इन्होंने एक बोला मुझे 1 घंटा दो मैं नरेशन देता हूँ. तो 1 घंटे बाद आई थिंक 2 घंटे की नरेशन फ़ोन पे हुई एंड एमी सर ने कहा ओके डन. एंड उसके बाद हमारा सफ़र शुरू हुआ वहीं पे. फिर मैंने आई थिंक यशपाल जी को फ़ोन किया. सब फ़ोन चालू हो गए. तो आई थिंक दिस वॉज मेंट टू बी. ऐसा कोई प्लान नहीं हुआ भी ये कोई फिल्म बनानी है भी नेशनल ऑडियंस को रीच करनी है. ये एक स्टोरी हमें अच्छी लगी भी एक न्यूनेस आएगी पंजाबी सिनेमा में एक न्यूनेस आएगी नेशनल सिनेमा में. तो इस कारण हमने बनाई एंड दैट्स व्हाई. थैंक यू सर यशपाल जी योगराज जी अजय जी फॉर जॉइनिंग द कास्ट एंड बीइंग हियर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट. अमन मेरा अगला सवाल आपसे है. यू नो वी मेट ऑफ कोर्स हिंदी फिल्मों को लेके पंजाबी फिल्मों की हमने बात की हुई है. जर्सी हो हिंदी में शहजादा हो यू वर देयर ऑन दिस स्टेज. उसके अलावा शड़ा की बात करें या पौड़ा की बात करें जो आप लोगों ने पंजाबी में बनाई है. अभी यहाँ पे ये जो रिस्पॉन्स मिल रहा है इसके ऊपर आपको क्या बोलने का है? मैं आई एम जस्ट थैंक यू गाइस एवरीबॉडी फॉर कमिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल भी क्या
फिल्म की कोई लैंग्वेज नहीं होती है क्या? इंडिया इतना बड़ा देश है जहाँ सब मल्टीपल लैंग्वेजेस बोलते हैं और ईच स्टेट का डिफरेंट लैंग्वेज है, तो हमारा मकसद यही था भी फिल्म अच्छी बननी चाहिए और क्या एक्टर्स पंजाबी है और सेटिंग पंजाबी हरियाणा है तो इसलिए वो लैंग्वेज हमने पंजाबी चुना है। पर जो राइटर एक्टर कभी वो ये नहीं सोचते भी हम इनके लिए बना रहे हैं, इनके लिए नहीं बना रहे, वो सिर्फ अपनी कला कर रहे हैं और इनकी सबकी कला हमने पेश की है एंड वी होप दैट ऑल यू गाइस लाइक इट। एंड खासियत यह भी एंटरटेनमेंट में कुछ मैसेज भी है तो सबको पसंद आए। एंड आई डोंट वांट टू टेक अप टू मच टाइम, आई थिंक वी हैव ऑल स्पोकन, तो थोड़ा सा लोगों का क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं बिकॉज आई थिंक एवरीबॉडी इज गेटिंग अ बिट वे आगे बढ़ते हैं। प्रोड्यूसर साहब ने कह दिया मैं कौन होता हूँ किसी को रोकने वाला, सो इट्स ओवर टू ऑल यू अमेजिंग पीपल। एक मिनट सर, यशपाल सर मैं जाऊँ, मेरा मैं माफी चाहूंगा, मेरा डे लाइट का ही शूट है तो मेरे को जाना पड़ेगा। ठीक है, यशपाल सर के लिए जोरदार तालियां सर, थैंक यू सो मच, प्लीज कैरी ऑन सर, थैंक यू सो मच यहां आने के लिए, ऑफ कोर्स फिल्म को सबको देने के लिए ये ट्रेलर। हेलो, जी राकेश जी, मेरा सवाल आपसे है कि आपने बहुत सारी हिट फिल्में बना चुकी है, बहुत सारी हिट फिल्में लिखी है और दो डायरेक्ट भी की है, तो आपकी फिल्मों का यूनिवर्सल थीम जो है रोमांस, कॉमेडी और एंटरटेनमेंट रहता है, तो क्या ये इसी थीम को आप पकड़ के चलते हैं कि क्या है? नहीं जी, मैं सबसे पहले फैमिली पकड़ता हूँ जी, कि बड़ी साफ कॉमेडी हो, एंटरटेनमेंट तो हो बट फैमिली हो। रोमांस ठीक है मेरे लिए बट सेकेंडरी रोमांस है, फर्स्ट फैमिली है। दो तीन तरह की सर ऑडियंस होती है, एक होती है न्यूट्रल जो अपने आप को हंसने से रोकती नहीं है, उसको हंसी आती है वो हंस लेती है, एक होती है जो बिना बात के भी हंसती है लाइट मोड पे भी, और सर एक ऐसे मातम वाले चेहरे होते हैं जो हंसाए जो तब भी नहीं हंसते हैं वो बंदे, तो मैं लिखता हूँ तो मुझे लगता है कि उसमें फैमिली हो, लाफ्टर हो, रोमांस हो, बच्चे भी आए बूढ़े भी आए, तो वो एक मतलब जब आदमी शौक के लिए लिखता है ना तब थॉट्स आते हैं, जब हम कमर्शियल हो जाते हैं फिर थोड़ा सोचने पड़ते हैं, तो मैं सोच के लिखता हूँ कि मुझे ऐसा ऐसा लिखना है, तो मेरा भी वो स्टाइल हो गया कि सर फैमिली, रोमांस, इमोशन, ड्रामा। अमरिंदर पाल सिंह एम ई जी एंड सोनम जी, आपकी जोड़ी बड़ी अच्छी लगी हमें। हमें भी बहुत अच्छी लगती है सर ये ऑलवेज, काफ़ी सालों से हम ये जोड़ी देखते आ रहे हैं, कामयाब जोड़ी है, इस कामयाबी के पीछे क्या राज है, कुछ रोशनी डालें। डेफिनेटली वधिया स्क्रिप्ट, जब एक अच्छी स्क्रिप्ट आती है तो उसमें जब दो एक्टर साथ में आते हैं तो हमेशा मुझे लगता है कि अच्छे लगते हैं। एंड ऑडियंस का बहुत थैंक यू है कि उन्होंने हमेशा जो भी फिल्म मैंने और एमी ने की है बहुत प्यार दिया है, एंड वी आर सो ग्लैड कि थानू साड़ी जोड़ी ऑन स्क्रीन बहुत पसंद आ, सो थैंक यू सो मच। एंड आपने हरियाणवी एंड पंजाबी दोनों बड़ी अच्छी एक्सेंट में गाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एमी जी कुछ कहना चाहते हो तो कहिए। मैडम ने कहता जी, कह रहा था मैं भी चाह रहा था शायद जी, मैं स्क्रिप्ट मैडम को टाइम पे देता तो और चीजें आपको देखने को मिलती, मेरा भी एक फॉल्ट है। योग जी प्लीज। मैं ये कहना चाह रहा था, इश्क दिल से करके देखो चेहरे ऐसे लगेंगे। हेलो, क्या मेरा सवाल एमी जी से है? जी सर, अभी रिसेंटली मैंने एक फिल्म देखी थी जी, हिंदी फिल्म थी, गुरु रंधावा हीरो थे जी, उसमें चार पांच गाने थे वो सबके सब पंजाबी थे, फिल्म प्योर हिंदी थी जी सर, और फिल्म द एंड होने तक ये नहीं फील हुआ कि सारे गाने पंजाबी क्यों, वी इक्वली एंजॉयड द फिल्म। एंड होने के बाद हमारे एक सीनियर पत्रकार ने बोला कि यार इसमें तो सारे के सारे गाने ना पंजाबी थे जी, फिल्म हिंदी है, फिर मुझे स्ट्राइक हुआ यस ऐसा तो है, तो फिर ये पंजाबी एज ए लैंग्वेज इतनी ज़्यादा जो जेल हो जाती है किसी और लैंग्वेज वालों के साथ में, इसका क्या बेसिक रीजन हो सकता है? सर बेसिक यही है कि मतलब ज़्यादा डिफरेंट नहीं है हिंदी से,
मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं, जैसे मतलब साउथ की लैंग्वेजेस हैं वो बहुत ही मतलब हिंदी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और म्यूज़िक सर ये तो मतलब 5 गाने ऑब्वियसली गुरु पंजाबी है, तो मतलब वो उसका पंजाब में गाँव है तो उसकी मूवी थी, उसके पंजाबी गाने थे। लेकिन वैसे भी 1 या 2 गाने हर मूवी में, जो मतलब पंजाबी आर्टिस्ट नहीं भी होता, अगर मतलब यहाँ मुंबई के भी सर, मतलब वो जो साउथ के डायरेक्टर, अभी एनिमल मूवी आई थी वो डायरेक्टर साउथ के हैं, हीरो मुंबई से हैं, रणबीर कपूर, और गाना सबसे ज़्यादा पैर जोड़ के कंडासी मारी सर, वो पंजाब का भी एक्सट्रीम फोक है वो, तो वो गाना आया और पूरे इंडिया ने सुना है, वो साउथ में भी चला है, हर जगह चला है। वही बात है सर, मतलब जैसे अमन पाजी ने बोला कि फिल्म की कोई लैंग्वेज नहीं थी, म्यूज़िक की भी कोई लैंग्वेज नहीं है सर, वो आपको स्ट्राइक करना चाहिए। वैसे सर आपको मेलोडी अगर अच्छी लगेगी तो वो डाल दी जाती है किसी भी मूवी में, कोई सा भी गाना वर्क कर मतलब हो जाता है। मोस्टली ऐसा होता है सिचुएशन की वजह से गाने जो वो डलते हैं। हमारी मूवी में भी आपने ट्रेलर में गाना देखा होगा, तो की पंजाब की हरियाणा की गुड़गांव की लुधियाना, तो एक गल एक है एक है एक है। सो इसमें एक जैसे भाजी ने भी बोला मैसेज की भी बात है। सो म्यूज़िक जेन्युइनली कोई सर लैंग्वेज नहीं है, म्यूज़िक मतलब किसी भी प्रकार का हो सकता है किसी भी मूवी में, तो वो लोगों को पसंद आना चाहिए सर, दैट्स द मेन थिंग। थैंक यू जी। हेलो सर, हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुरभि फ्रॉम फिल्मी न्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड ट्रेलर एंड द रियल लवबर्ड्स लुक ग्रेट ऑन स्क्रीन। And my question is to Ami sir and Ajay sir. Since you guys, I would say you guys are creators as an actor and as a singer, right? But at this point of time, there are a lot of actors in the Hindi film industry overall who are transitioning from musicians to acting or acting to singing. What's your take on that? And if given a choice, what would be your first love? Yeah, obviously music, ma'am. So, Punjab se agar aap dekhen to matlab. मैं टॉप ऑफ द लिस्ट नहीं मैं बोलूँगा, मतलब जितने भी अभी जो 2010 के बाद वाला जो बैच है, मोस्टली जो आर्टिस्ट फिल्मों में काम कर रहे हैं मोस्टली सिंगर्स हैं। सो इसमें ऐसा है, वो ऑलरेडी कैमरा फेस कर चुके होते हैं, उन्होंने मतलब 10-15-20-50 गाने कर लिए ऑलरेडी। सो वो उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी होती है, उनको लोग जानते भी हैं, इसकी वजह से उनको मतलब फिल्में मिल जाती हैं। वो ट्राई करते हैं, अगर सक्सेसफुल हो गए तो वो फिल्में कर लेते हैं, अगर फिल्में नहीं चलती तो फिर जो गाने चल रहे होते हैं वो भी बंद हो जाते हैं चलने। सो अगर आप मुंबई की बात करो, जब सबसे पहले मतलब सबसे स्टार्टिंग में जब बॉलीवुड की मूवी शुरू हुई थी, वो भी सिंगर ही थे, सबसे पहले वो सिंगर्स थे, तब उनके बाद वो एक्टर्स बने, एक्टर्स के बाद उसके बाद अभी जो थिएटर के आर्टिस्ट आने लगे। सो पंजाब में भी अभी थिएटर के आर्टिस्ट कितने काम कर रहे हैं, अभी जैसे यश जी हैं उन्होंने थिएटर किया, राइट, NSD के स्टूडेंट्स हैं काफ़ी, जो मुंबई में भी काम मिल रहा है। सो जो आप पहला इश्क पूछोगे तो वो म्यूज़िक ही है ऑब्वियसली, वो पीछे हमने छोड़ दिया था 3-4 साल पहले, हमने मतलब ज़्यादा मैं म्यूज़िक पे काम कर नहीं पाया। सो लेकिन अभी मूवीज़ थोड़ी कम की हैं, तो म्यूज़िक थोड़ी कम अपना फिल्में कम करके, तो अभी थोड़ा म्यूज़िक पे ध्यान देंगे दोबारा। बाकी अजय सर बोलेंगे अभी। आपने बता ही दिया। हेलो, बता ही दिया भाई ने कि प्रोड्यूसर और ऑडियंस एक चेहरा मिल जाता है उन्हें, कि मतलब जो पॉपुलर होता है उसका फ़ायदा प्रोड्यूसर भी उठाता है और ऑडियंस भी उसे देखना चाहती है। एक नए चेहरे पर रिस्क लेना एक बड़ी बात होती है रीजनल सिनेमा के लिए। तो बस यही बात है कि जो चल रहे होते हैं अगर वो अच्छा काम कर पाते हैं तो फिल्में मिलती रहती हैं, आगे चलते रहते हैं, अगर नहीं करते हैं तो या तो म्यूजिक करते हैं या धीरे धीरे वहाँ से भी बाहर हो जाते हैं। सब तो बड़ा सरप्राइज सुन मैं दवा थानू सारे नू, सोनम दा गाना आने वाला। बहुत ज़्यादा सोना गाँवी है, लिटरली बहुत ज़्यादा। मैं तेन गाँव नहीं कहूँगा क्योंकि सरप्राइज है, क्योंकि मैं आपके चैनल पर करूँगा, आल बी द प्रोड्यूसर ऑफ दैट सॉन्ग। सो बाबा सुख रहो, तुम अरदास करो साड़ी फिल्म चल जाए, तो फिर उस तो बाद असी इन एक गिफ्ट कमिट किया हो, गिफ्ट दे के उस तो बाद असी इतने एक गाना लेना है। ऑलराइट, यू हैव टू डू दैट भाई। हाँ, गिफ्ट बहुत महंगा है भाई, वो कला नहीं बारा खाना सानू। हाय, यू आर दिस साइड। हाय, हेलो, दिस इज़ आस्था फ्रॉम ऑसम टीवी एंड आई हैव टू से दैट ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है आप दोनों की। आई वांट टू नो दैट ऑफ स्क्रीन सेट पे क्या माहौल होता था एंड किस तरह से था सब कुछ? लड़ते थे जी बहुत ज़्यादा, ये मैंने कल ही कह के हटी है, तू सड़ू है, तू सड़ू है, मैंने कहती कल, मैं मैंने कदे नहीं किसी ने कहा spend one day with him, you know, you would agree with me, spend no, some part of you is sadu, fully or not sadu, some part of you is definitely sadu. But I have to say ki maine bahut filmein ki hain Emmy ke sath, so ek comfort bhi hai, I think sabse zyada comfort Emmy ke sath hai jitne bhi mere co-stars hain,
कि मैं मतलब एमी के साथ सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ. सो दिस फ्रेंडशिप, सो यू नो व्हेन यू आर वर्किंग विद फ्रेंड्स इट्स मोर फन एंड यू नो आई कैन रिक्वेस्ट हिम कि कल इतने बजे कॉल टाइम बोलना, फिर मैं उतने लेट आ सकती हूँ. परसों साड़ी फिल्म की बात कम सुनी जाती है ना थोड़ी सी, नहीं, तो मैं कॉल करती तेरी नहीं सिफारिश नहीं सुन दे है. आप प्रोड्यूसर तो मेरी बॉस सुनते हैं, पर ये तो सुन दे ये दी है ना बस. सब 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 जानते हैं ना कि हीरो जब सिफारिश करता है तो फिर वो चीज़ हो जाती है. तो जब मुझे लेट आना होता है तो मैं फिर एमी को बोलती हूँ कि कल कितने बजे आना है आपको, तो आराम से आएंगे. तो देन यू नो आई फील हैप्पी दैट ओके. पर आपने ये ट्रेंड चेंज कर दी है, अब आपकी भी सुनी जाती है पूरी इंडस्ट्री में. नहीं, मेरी सुनी जाती है, बट मैं फिर इनकी सिफारिश लगवा के. परसों साड़ी एक फिल्म दा, परसों साड़ी फिल्म दा सीन सी, एक निक्का जैलदार दा एक मतलब कल्मिनेशन दा सीन सी लास्ट वाला. तो मैंने कहती अम्मी नहीं करना, मेरी सवेरे अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है, हैव टू डू पैकिंग एंड ऑल ब्ला ब्ला ब्ला. अम्मी प्लीज इदा उदा करके ना मैंने मना लिया ने. मैं चल मैं कर दूंगा फोन. मैं प्रोड्यूसर ने फोन किया, मैं कहा भाजी जो अगली बार गाना करा ना उदों करा. वो कहें ठीक है भाजी. तो फिर मैंने कहती आप पार्टी करा, आप पवन के घर पार्टी करा जे तू आ सीन कैंसल करता. मैं क्या घर पवन का खर्चा वह लैना, तेरी कल अपीयरेंस का ही मैं कैंसल करता सारा कुछ अपना सीन ਉਹਦਾ ਘਰ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਅਸੀਂ ਢਿੱਡ ਅਸੀਂ ਸਾੜ ਲੈਣਾ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕੱਲਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆ. ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਰਟੀ. ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਡੌਗਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ ਦੈਟ, ਵੀਲ ਮੈਨੇਜ, ਡੋਨਟ ਵਰੀ. ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸੋਨਮ ਕੋ, ਹਿੰਦੀ ਸੌਂਗਸ ਤੋਂ ਕੌਨ ਸਾ ਸੌਂਗ ਕਰਾਂ? ਹਿੰਦੀ ਜੀ ਨਾ ਨਾ ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਓ. ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ, ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਮੈਨੂੰ. नी मैं कम धंधे सारे छड़ के तेरी वंग दाल लानाप, जो तेरे दिल विच तड़क रहा है मैनू बिलकुल सुनदा है साफ. वो मलो मल्ली डिग पैंदा है जमीन ते, होवे प्यार वाला फल जदों पक्या, वो पला कंधा नू करा के हो रही उच्चिया, कीने उड़ने सपा नू बिलो डक्या, तेरा हुसन है बर्फ जया, देखी तप तप बन जाए पाफ. नी मैं कम तंदे सारे छड़ के तेरी वांग दाल लानाप. थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट्स ऑल वी हैव फॉर यू अभी के लिए. एंड जाते जाते वन लास्ट थिंग, अजय भाई आप सोनम एंड अमिपाजी, यू नो वो मुग्धर उठा रहे हम लोग देख रहे हैं इसमें, उसको उसके बारे में थोड़ा सा बता दो. रेसलिंग वगैरह की है तो वो थोड़ा डिफिकल्ट था, इजी था, क्या था? पलवान नहीं है भाजी, मतलब बहुत औखा काम है जी. एक्टिंग करनी भी बहुत औखा काम है, घुलना का उदू भी बहुत ज्यादा औखा काम है. सो एक जोरदार ताड़ियां पलवाना दे भाई, जेडे अपने मुल्क के पलवान आ. वीर होनी साडे नाल बैठे, एक मैं वीर उन्होंने बुलाया, प्लीज इधर आओ, जिन्होंने मतलब सोनम के भरा का किरदार किया है. वीर होनी सच्ची पलवान ने, इधर आओ वीर, उपर आ जाओ, आप फोटो करते हैं यार. एक जोरदार ताड़ियां नाल दे अंशुल सर, प्लीज आओ इधर. होर जेडे जेडे मेन मेन है आ जाओ, आप ही आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, सारी मेन है मेरी जान. मैं माहौल करता, आओ एक करी. आ वीर साडा पहलवान आ, जेडे मूव्स वगैरह सानू दसे वीरों ने दसे, बहुत बहुत प्यार. अंशुल जी आओ, ये साडे डीओपी साहब ने, कुर्सियां ला जाओ बशक दी. सो हियर इज द एंटायर क्रू.